नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग में और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों आइए हम आज आपको दिखाते हैं राजमहल तिलोई को, जो अमेठी के तिलोई कस्बे में स्थित है। और ये राजा मैंकेश्वर शरण सिंह ये इस महल के उत्तराधिकारी हैं और इन्हीं के जो है कब्जे में ये महल है। और ये महल के पीछे का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर एक सरोवर है जो बहुत ही पुराना है और इसका पानी कभी सूखता नहीं है। दोस्तों ये है वो तालाब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और ये है पीछे का सीन, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। और इस महल में जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 आंगन हैं और अगर आप चाहें कि एक दिन में मैं यहाँ पूरी तरीके से घूम लूँ तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा महल है कि एक दिन में जो है घूमना शायद मुश्किल है। और इस तरह का महल पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही एक अकेला है, ये इकलौता महल है जहाँ तक मेरा मानना है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पहले कुछ सरकारी चीज़ें चला करती थी, जैसे तहसील, डाकघर और भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर जो है काम, सरकारी काम होते थे। लेकिन जब से जो है तहसील मोहनगंज चली गई और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर अब डाकघर है और उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर सरकारी चीज़ें। और पूर्णतया जो है ये महल वीरान पड़ा हुआ है और बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आपको मिल जाएंगे, उन्हीं का यहाँ पर सर्वस्व है। और बंदरों के अंडर में ही अब ये महल बचा हुआ है, या तो कुछ जो है पार्ट महल का राजा के उपयोग में है, बाकी जो है यहाँ ये भव्य महल वीरान पड़ा हुआ है बिल्कुल। दोस्तों इस तरह का महल पूरे उत्तर प्रदेश में शायद इकलौता महल है ये, और आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार है और एक तरफ महल में राजा विश्वनाथ शरण इंटर कॉलेज चलता है जो इंटर तक के स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान करता है। दूसरी तरफ का सीन मैंने दिखाया आपको, बहुत सारे खजूर के पेड़ और एक विराट तालाब है। यहाँ पर कई फिल्में बन चुकी हैं, यहाँ से कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मनोरम महल है और यहाँ का दृश्य कितना अच्छा होगा। तो अगर आप कभी भी इधर विज़िट करते हैं तो आप अमेठी तहसील के तिलोई कस्बे में स्थित राजमहल तिलोई को ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आप किसी और जगह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस स्थान का वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।